अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए, हुकूमती बड़ों से ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की जेर सदारत बनीगाला में मुशावरती इजलास जारी। असद उमर, परवेज खटक और फवाद चौधरी समेत दीगर की शिरकत। इतिहादियों से रवाबित और हालिया बयानात पर गुफ्तगू और लाहे अमल पर गौर किया जा रहा है। हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं, हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की, चौधरी परवेज इलाही ने बता दिया। बोले, जमातों में मुख्तलिफ आरा होती है लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं और हर मुश्किल में साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। वजीर आजम ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। इत्तेहादियों की मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से ठीक कह रहे हैं नंबर हैं, पूरे नंबर पूरे उससे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हैं। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, ठीक है, और जो इतलात आप तक आ रही है, बड़े सरप्राइजेज आने हैं, देखना। मुजदार को हटा के दम लेंगे वो, उनका हतमी फैसला आपको लग रहा है? सबको नॉन निगोशियबल है, नॉन निगोशियबल। आपको भी अब लगता है कि अब उसको हटाने का? बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहा ना, एमपीए साथ दे रहा। आपको तो सूट करता था बुज़दार, चीफ मिनिस्टर बुज़दार, तभी तो हम साथ कर चलते। अब क्या हुआ है? अब सबको कुछ हो गया ना, आपको भी कुछ हो गया, हमें भी कुछ हो गया। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीके अदम एतमाद को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी का दावा दुरुस्त है, अपोजिशन के पास से 172 से ज्यादा वोट हैं, इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है, हमारा फैसला एमक्यूएम की वजह से रुका हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाकर दम लेगा, वजीर आला बना तो तमाम मसाइल हल कर दूंगा, तमाम वादे पूरे करूंगा। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन की तगदो JUIFA के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज शाम पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी के एजाज में इशारिया भी देंगे। का जो जमात है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना और प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। जो भी है, जैसे भी है, मैं अब उस लव्स को ओन करता हूं और अवाम को समझाना चाहूंगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फर्क क्या है। हाँ, टांगे जो कांपते हैं ना, वो वजीर आजम साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले, और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। इंशाल्लाह वोटिंग में मेंबरान की डबल सेंचुरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अज़्म। बोले, शाह महमूद कुरैशी को चैलेंज करता हूँ कि बताएं कहाँ है तहरीक के पीछे गैर मुल्की साजिश। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद अवामी मुतालबा है। इमरान खान की बंदूक की नशिस्त का कहना तशद्दुद है, धमकी बर्दाश्त से बाहर है। आसिफ जरदारी ना टूटे ना झुके ना बिके, IMF से नई डील करना पड़ेगी। आज मार्च को हमारी अवामी मार्च कराची पहुंची और कल्मिनेट की इस तहरीके अदम एतमाद से। ये 172 से ज्यादा लोग, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस बेहिस, इस सिलेक्टेड, इस दाहिल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं।
खेल में जब टीम हार रही हो तो मैदान छोड़ने की धमकी दी जाती है, एम्पायर के फैसले पर एतराज किया जाता है। यही हाल इस वक्त वफाकी हुकूमत का है। तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन के पास इस वक्त 172 से ज्यादा अरकान हैं। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर दबाव पड़ा, कयादत फैसला करेगी कि JUI के मार्च में शिरकत करनी है या नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, चाहते थे इमरान खान बाइज्जत तरीके से मुस्ताफी होते, कोई बावकार काम इमरान खान की किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो चुकी है, अब नैब भी सल्तनत नियाजिया को नहीं बचा सकता। इमरान खान स्टील मिल से बरतरफ मुलाजमीन की बददुआओं की लपेट में हैं। इमरान खान ने लाखों गरीबों को छत से महरूम किया, हिजब इख्तलाफ का हर कदम जमहूरी है। वजीर दिफा परवेज खटक की जानिब से मुस्लिम लीग काफ से मुतालिक खबर की तर्दीद, ट्वीट में बोले मीडिया पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, खबरें मन घरट और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वजीर आजम इमरान खान का साथ दिया, अब भी चौधरी बरादरान साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोनिस इलाही का परवेज खटक की तर्दीद पर इजहार तशक्कुर। नैब ने वफाकी वजीर मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने की तर्दीद कर दी। नैब अलामिये के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी जेर इल्तवा नहीं, वफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जमन में तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। इमरान खान जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही होगा। अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद लाने का हक है, मौलाना साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी का पता है। इन्हें कहना चाहता हूँ ये सब भाग जाएंगे, आप घर लिए जाएंगे, खाना जंगी के जिम्मेदार मौलाना साहब होंगे। वजीर दाखला शेख रशीद की तंबीह, बोले स्पीकर 63A के तहत किसी भी मेंबर का वोट मंसूख कर सकते हैं, 63A की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा। जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अराकीन असम्बली से मुशावरत जारी रहेगी, अपोजिशन ने कौम का कीमती वक्त जाया किया, अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है। PDM की लॉन्ग मार्च की कॉल का कोई जी शऊर सपोर्ट नहीं करता, लॉन्ग मार्च करने वालों के गैर जमहूरी अजाइम खुलकर सामने आ गए। हुकूमती पार्टी का अवामी ताकत का मुजाहरा करने का सिलसिला जारी, वजीर आजम का दौरा सबात, अवामी इज्तिमा से खताब करेंगे। ग्रासी ग्राउंड में PTI जलसे की तैयारियां मुकम्मल, जगह जगह पार्टी परचम और बैनर्स आवेजा। दोपहर 2 बजे मैदान सजेगा, वजीर आजम के सबात जलसे पर इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, कहते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्जी जुर्म है, इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए, रियासती वसाइल के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को सजा दी जाए। इमरान खान अपने तर्ज अमल से बता रहे हैं
कि इन्हें आईन और कानून का एहतराम नहीं। इमरान खान आज तकरीर में फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब लेकर आए। जावेद लतीफ ने अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए नून लीग की हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर लिया। उसूली तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून को नोटिस जारी करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात पर वजाहत देनी चाहिए। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नजर लग गई है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम उम्मा के लिए ये अच्छी खबर है कि इस्लामोफोबिया पर करारदाद मंजूर हुई। वजीर आजम ने इस्लामोफोबिया पर अक्वामे मुतहिदा में आवाज बुलंद की। वजीर आजम ने तमाम सरबराहान से राबते करके इसको आगे बढ़ाया। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मनाया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम की काविशें रंग ले आई हैं। इमरान खान आलम इस्लाम के भी अजीम लीडर के तौर पर सामने आए हैं। अक्वामे मुतहिदा ने इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। साबिक मगरब नवाज कठपुतली हुक्मरानों ने इस इशू पर खामोशी इख्तियार किए रखी। आर्मी चीफ से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरतेहाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान नाइजीरिया को बरे आजम अफ्रीका का अहम मुल्क समझता है। कयाम अमन के लिए नाइजीरिया के किरदार को सराहते हैं। साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली नैब के रडार पर, इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 11 नई इंक्वायरियों और 2 इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब कहते हैं, बदउनवानी के खिलाफ जंग नैब की अव्वलीन तरजीह है। कौम के अरबों लूटने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वजीर आला सिंध और दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। शरीक मुलजमान सुल्तान फारूक अहमद और मसूद नकवी की जानिब से नैब रेफरेंस चैलेंज, बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने मुलजमान की दरख्वास्तों पर जवाब पेश कर दिया। आज ये फैसला किया है कि जितनी भी बंदिशें लगी हुई हैं इस वक्त हमारी कोरोना के लिहाज से, तमाम को खत्म किया जा रहा है। वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गई है। 70% जो हैं वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। पहली तो बात ये है कि ये बीमारी वाज़े तौर पे नीचे आ चुकी है। सबसे अहम बात जो है वो वैक्सीन का लगातार इस्तेमाल है। हम लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहेंगे। कोरोना केसेस में कमी पर एनसीओसी का बड़ा फैसला, वबा के दौरान लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, सोच समझकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाने का फैसला किया है। अस्पतालों में मरीजों के आने की शराह कम हुई है। फजाई सफर के हवाले से वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, कोरोना वबा का सेहत के शोबे पर दबाव कम हुआ है, आवाम वैक्सीन जरूर लगवाएं।
कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज, 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जान बहक, मरने वालों की कुल तादाद 30,317 तक पहुंच गई, मुतासर अफराद 15,20,120 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,72,555, पंजाब में 5,04,045 केस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,357, इस्लामाबाद में 1,34,878, बलोचिस्तान में 35,447, गिलगित बल्तिस्तान में 11,648 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,000।